नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। दोस्तों, हमने जो अभी फ़िलहाल था उसको विश्व भूगोल पढ़ लिया था, ठीक है। विश्व भूगोल पढ़ लिया है और अब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। देखिए, विश्व भूगोल हमने पढ़ा है, आप इसको क्राउन से पढ़ लो, क्राउन से पढ़ लो, इसका MCQ लगा लो, ठीक है। मैप इसमें ज़रूर देखना आप लोग, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो मैप आपको खोजने में तो गूगल मैप का यूज कर सकते हो। गूगल मैप में जल्दी से लोकेशन मिल जाता है, उसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और, कुछ चीज़ मैंने बताया था कि डाटा अपडेट नहीं है, उसको आप लोग पॉइंटर से भी देख लेना, ठीक है। ठीक है, पॉइंटर से भी देख लेना। अब एक चीज़ और देखिए, अब भारत का हम लोग भूगोल पढ़ेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। इसमें भी कोई डाटा ओल्ड है, उसको मैं बताऊंगा कहाँ से। घटना चक्र से पढ़ना है, ठीक है। अगर घटना चक्र आपके पास नहीं है तो किसी से लेके या किसी से फ़ोटो खींच के मांग के उसको फोटोकॉपी करा लीजिएगा और उससे डाटा लिख लीजिएगा, ठीक है। यहीं पर क्राउन पर ही लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा आपका, ठीक। देखिए, भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। देखिए, पहले इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ लेंगे। इसका देखिए, ये है 8.4, ठीक है। देखिए, उत्तर में 8.4 है तो हम इसको लिख दिए हैं 84, ठीक है। उसके बाद 37.6 है तो 376 लिख दें, क्योंकि इससे आसानी होगा आपको याद करने में, ठीक है। आप ये याद रखना, 8 के बाद कॉमा है, उसके बाद 37.6 के बाद कॉमा है, 97 के बाद कॉमा है और 68 के बाद कॉमन है। कैसे पता चलेगा? देखिए, किस आप ये वाला 84.8 और 37.6 में घटाओगे तो लगभग 29 आएगा, ठीक है। इसमें भी 68.7 और 97.25 में घटाओगे आप, इसमें भी लगभग 29 आएगा। तो हमारा अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में लगभग लगभग 29 डिग्री का अंतर है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट है, 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट है, 97 डिग्री 25 मिनट, सबको आप लोग घटाओगे तो 29 डिग्री का अंतर आपको लगभग देखने को मिलेगा, ठीक है। लगभग यही देखने को मिलेगा, तो इससे मोटा मोटी अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि कितना है। जैसे मान लीजिए 8.4 भी अगर आपको याद है, 8 डिग्री 4 मिनट 4 मिनट, तो इसमें अगर आप 29 जोड़ देते हो तो 4 का 4 हो गया, 9 4 13 के 3 और 2 1 3, तो 33 दशमलव। तो आपको मोटा मोटी अंदाज़ा लग जाएगा कि 33 34 के पास है, नहीं शायद गलत हो गया, 8 8 16 1 17 के 7 37 होगा ये, ठीक है। 37.4 हो जाएगा, ठीक है। तो 37.4, तो आपको मोटा मोटी अंदाज़ा लग जाएगा कि नीचे वाला अगर 8 4 है तो ऊपर वाला 37.6 होगा, ठीक। अगर हमको ये वाला भी एक याद आ गया तो इसमें अगर 29 जोड़ देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो इससे मतलब आप मोटा मोटी याद रख सकते हो। अगर चारों नहीं याद है तो कोई दो को याद रहेगा तो आपको दूसरा दो को मिल जाएगा, ठीक है। ये एक ट्रिक था। अब देखिए, ये हम लोग के देश से ना कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है वो तो आगे आप देख लेंगे, पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं जो हमारा मानक है ना, मानक देशांतर 82.5 डिग्री। तो ये देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये कौन कौन से देश से जाता है, ठीक है। देखिए, हम ऐसे याद रखे थे, UP MP AP और छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ठीक है। UP MP AP छत्तीसगढ़ उड़ीसा, UP MP AP छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ऐसे ही आप रट लो, काम खत्म, याद हो जाएगा। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ठीक है। देखिए, क्षेत्रफल लगभग लगभग याद रखना चाहिए, 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सातवां सबसे बड़ा देश है, तो इसके पहले कौन कौन सा देश है वो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। और थोड़ा सा इसका क्रम भी याद रख लेना, भारत से पहले सात को कौन देश है, भारत से पहले कौन सा 6 देश है उसको आप लोग यहीं ऊपर में लिख लेना, ठीक है। मैंने लिखा था, ये पुराना वाला, ये नया वाला किताब है तो इसमें अभी नहीं है डाटा वो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है। और इसका एक मैंने ट्रिक भी बनाया था, RC कावा। ये थोड़ा सा ना किसी किसी किताब में चाइना को आगे देता है और अमेरिका को बाद में देता है, तो इसको ना थोड़ा सा आप, अमेरिका और चाइना का उल्टा पुल्टा रहता है, कभी चाइना पहले रहेगा कभी अमेरिका, क्योंकि अंतर बहुत कम है उनके क्षेत्रफल में, ठीक है। तो बहुत कम अंतर है जिसलिए आगे पीछे हो जाता है, तो उसको हम लोग उतना माइंड करके नहीं चलेंगे। नॉर्मली हम लोग यही याद करेंगे कि रूस है सबसे बड़ा, उसके बाद कनाडा है,
रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसमें चीन पहला दिया हुआ है, लेकिन आप लूसेंट में देखोगे तो अमेरिका पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला हम पढ़ लेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ गिरता है, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, ठीक है, उसके बाद भूटान के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। ये वाला आप थोड़ा सा याद कर लेना, पांचों पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु ये ग्रेट निकोबार, मतलब अगर पूरा समुद्री क्षेत्रफल को मिला के अगर पूछा जाए कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो निकोबार द्वीप में है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अगर कोई सबसे उत्तरतम द्वीप, तो इंदिरा कॉल है, ठीक है। सबसे पश्चिमतम बिंदु का पूछे तो गौर माता है। पूर्वी बिंदु पूछे तो अरुणाचल प्रदेश किवातु है, ठीक है। ये गुजरात में है और ये किवातु जो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। हाँ, मुख्य भूमि जो ऐसे भारत का मुख्य भूमि, और इधर ना है ये हमारा अंडमान निकोबार, तो मुख्य भूमि ये बोला हुआ, तो यहाँ पे जो है कन्याकुमारी, और ये जो पॉइंट है इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है केप कोमोरिन, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रखना। हाँ, ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पे जो ये वाला है ना, ये वाला ऐसे यहीं पे विवेकानंद रॉक भी है, ठीक है, और रामेश्वरम द्वीप भी है तमिलनाडु में। अब देखिए पड़ोसी जो देश हैं भारत के, उनके साथ कुछ राज्यों की सीमा लगती है, उसके बारे में दिया गया है। इस पर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, हम बिहार राज्य का थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। देखिए बिहार का सीमा किससे किससे लगता है, तो नेपाल के साथ लगता है, ठीक। तो एक तो ये चीज़ हो गया, एक ही देश के साथ लगता है, नेपाल के साथ, और लेकिन नेपाल का सीमा किस किस राज्य के साथ लगता है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ठीक। इसमें चीन का याद कर लीजिए, नेपाल का याद कर लीजिए, पाकिस्तान का याद कर लीजिए, बांग्लादेश का याद कर लीजिए, ठीक है। म्यांमार भूटान का नहीं भी याद रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें याद करना है, क्या कि ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला चार हम याद रखें, ठीक है। देखिए पहला चार याद रखें कौन, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये चार का क्रम याद रखेंगे। तो रामू रामू याद रखिएगा, रामू नाम का एक लड़का है, ठीक है, जो मेरा फ्रेंड है, तो उसके नाम से है रामू, RAMMU, ठीक है। इस एम से MP है, इस एम से महाराष्ट्र है, ठीक है। सबसे बड़ा MP है, उसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक। तो राजस्थान, RA से राजस्थान, M से MP, M से महाराष्ट्र, और U से उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये हो गया। देखिए कर्क रेखा पर कौन से राज्य हैं, ठीक। कर्क रेखा हमसे गुजरती है, तो उसका एक ट्रिक भी बनाया था, इसलिए मैंने बोला बाद में बताऊंगा। मित्र पर गमछा झाड़, तो मित्र से देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, पर से हो गया, पर से हो जाएगा कौन, एक मिनट में बताता हूँ। गमछा से गुजरात हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया, झा से झारखंड हो गया, पर से शायद है, एक मिनट, कौन सा है, पर से 7 गो राज्य हैं, 8 राज्य हैं, तो 8 में एक कौन सा छूट गया, एक कोई छूटा है, कौन सा, इसमें कोई दिया हुआ है, इसमें शायद नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक कोई छूटा है, एक मिनट में बताता हूँ कौन सा छूटा है। देखिए ये छूट गया पश्चिम बंगाल, ठीक है, यही छूट रहा था, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। देखिए मिजोरम है, त्रिपुरा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ठीक। तो ये आप लोग इसको 8 याद रखना है, कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो हमारा ऐसे वाला है, तो इसके तटीय सीमाओं पर कितने राज्य हैं, तो 9 है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए ये जो डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला तट वाले राज्य, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसको याद कर लीजिएगा। ये जल डमरू मध्य है, इसका टिक मैंने बनाया है, देखिए देखिए ये 10 डिग्री चैनल है, ठीक। किसको किसको जोड़ता है, लघु अंडमान और कार निकोबार, तो 10 कार ला, ठीक है, 10 कार ला, ये ट्रिक है इसका। अब देखिए इस पे ट्रिक में क्या है, एक आदमी था जिसका शादी हो रहा था, तो बोला कि 10 गो कार हमको बुक करना है, तो वो बोला कि 10 कार ला, ठीक है। तो 10 से 10 डिग्री, कार से कार निकोबार, एल से लिटिल अंडमान, एल से लिटिल और ए से अंडमान, ठीक है। तो ये हो गया
कार से कार निकोबार, ठीक है। अब देखिए, अब मिनी का लक्षद्वीप, ठीक है, ML है, 9 ML, 9 ML का सिरिंज होता है ना सुई देने वाला, वही है 9 ML। 9 ML से क्या है, 9 से 9 डिग्री, और M से मिनी का, L से लक्षद्वीप, ठीक है, या 9 किलोमीटर भी। देखिए किलोमीटर क्यों, देखिए ये हो गया, ये हो गया कवारत्ती और ये मिनिका, ये भी दोनों एक ही है, कवारत्ती और मिनिका को भी अलग करता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी याद रखेंगे, ठीक, 9 ML या 9 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए ये मालदीव और मिनिका है, कैसे याद रखेंगे, देखो MI से मिनिका होता है, MI से मिनिका होता है, M से मालदीव होता है, ठीक है। अब देखो 8 mm क्या है, 8 mm, देखिए जब हम घर बनाते हैं तो देखते हैं कि सरिया लगता है, 8 mm, 10 mm, 16 mm, 18 mm, ऐसे कर करके सरिया लगता है, तो वही है ये 8 mm का सरिया, शुरुआत इसी से होता है, तो सबसे पतला जो छड़ लगता है वो 8 mm की लगता है, तो यही है वो सरिया, ठीक है। तो 8 mm से याद रखेंगे, लास्ट में मैंने आई लगाया है मिनी काय के लिए, ठीक है, कि मालदीव और मिनी काय में आपको अंतर है, तो 8 mm के 8 डिग्री किसको बांटता है, मालदीव और मिनी काय, ठीक है। अब देखिए ये वाला ग्रेट चैनल, जी से ग्रेट चैनल, एस से ये इंदिरा पॉइंट, मतलब एस एस से सुमात्रा हो गया, एस से ये सुमात्रा हो गया, और एन से निकोबार, मतलब सुमात्रा जो इंडोनेशिया का है और ये निकोबार जो हमारा जिसमें इंदिरा पॉइंट है, तो दोनों को अलग करता है कौन सा, ग्रेट चैनल, ठीक है। देखिए तो इसका ट्रिक क्या था, GSN, ठीक है, ये जी से ग्रेट चैनल, ठीक है, एस से सुमात्रा हो गया, एस से सुमात्रा हो गया, और एन से निकोबार, निकोबार, ठीक है, एन से निकोबार हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा, बाकी ये कर्क रेखा वाला राज्य पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ बता ही दिया, मित्रवर्ग में बहुत फेमस ट्रिक है, सब जगह मिल जाता है, ठीक है। प्रादेशिक ये समुद्री सीमा ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे ये बाउंड्री है ना, ठीक है, ये लाइन है, तो यहाँ से 12 किलोमीटर तक होता है, फिर इस 12 किलोमीटर से 24 किलोमीटर होता है, फिर इस 24 किलोमीटर से 200 मील होता है, तो ऐसे करके सीमा होता है, इसको आप मैप पे देखिएगा समझ जाइएगा, ठीक है। और देखिए एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है। ये देखिए भारत में विदेशी जब जा रहे थे, बहुत जब अंग्रेजों का शासन समाप्त हुआ, तो कुछ अन्य देशों का भी हमारे देश में उपनिवेश था, तो फ्रांस का था, पुर्तगाल का था, तो पुर्तगाल के अधीन कौन कौन सा था, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ठीक, और गोवा। इसका विलय कब हुआ, दादरा नगर हवेली 1961 में, और दमन दीव और गोवा का 1962 में, ठीक है। फ्रांस के अधीन कौन था, चंदनगर, कराईकल, यमन, माहे, पांडिचेरी, ठीक है, ये 1963 में हुआ, ठीक है। और देखिए 87वें संविधान संशोधन से गोवा को राज्य का दर्जा, मतलब विलय पहले हो गया था 1962 में, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में इसको राज्य बना दिया गया, ठीक है। तीन तरफ से घिरा है बांग्लादेश, बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा है त्रिपुरा, त्रिपुरा की सीमा क्या करता है, शून्य रेखा, ये वाला जीरो लाइन याद रखिएगा, कभी पूछ लेगा, ठीक है। अब ये एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, ये पाकिस्तान, ये वाला थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये जितना भी पॉइंट दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ये वाला तो आपका अपडेट हो गलत है, तो आप याद रखना, ये 29 है, 29 था, फिर एक का विभाजन कर दिएगा तो 28 हो गया और 8 हो गया, ठीक है, मतलब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब देखिए ये वाला याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए तट रेखा में सबसे लंबा किसका है, तो गुजरात का है फर्स्ट नंबर, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उसके बाद केरल, तो इसका क्रम आप लोग याद रखिएगा, याद करके एकदम पूछता है कि भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात सबसे, उसके बाद कौन सा है, मान लीजिए गुजरात ऑप्शन में दिया ही नहीं, सब कोई रट के गया, तो इसलिए हम लोग कम से कम 4 को क्रम याद रखते हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तो ये 4 दे, इसमें मान लीजिए गुजरात, आंध्र प्रदेश नहीं दिया, ऑप्शन में 4 ही दिया हुआ है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और यहाँ पे गोवा दिया हुआ है, तो आंसर कौन सा होगा, तमिलनाडु होगा, क्योंकि तमिलनाडु सबसे इस क्रम में सबसे जब बड़ा तमिलनाडु का है, ठीक है, तो ये वाला ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए भारत का भौतिक प्रदेश, ठीक है, तो
हम जानते हैं कि भारत में मैदान भी है, पठार भी है, पर्वत भी है, तटीय मैदान भी है, तो इसको बहुत सारे भाग में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से। उत्तर में हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार जो डक्कन का पठार है हमारा त्रिभुजाकार, फिर गंगा का मैदान, तटवर्ती मैदान जो भारत का ऐसे है, इस साइड में मैदान जो है दोनों साइड में, ठीक है, इस तटीय रेखा पर और इस तटीय रेखा, तो तटवर्ती मैदान, द्वीप द्वीप समूह मतलब लक्षद्वीप और निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है। अब देखिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, देखिए ये ना थोड़ा सा हम इसमें कौन सा याद रखेंगे, देखिए इसमें जो इंडिया वाला है ना उसको याद रखेंगे, ये इंडिया में कौन कौन सा पर्वत है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा था दरोगा में पिछले 1717 वाले में कि इसमें से निम्न से कौन सी पर्वत भारतीय सीमा में है, ठीक है, या भारतीय सीमा में नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसका नाम याद कर लेते हैं, किसका, देखिए कंचन, यहाँ पे नंदा नंगा कंचन जंगा, ठीक है, तो ऐसे मैंने याद किया था, नंदा नाम का एक लड़का था, वो नंगा था और कंचन जंगा, ठीक है, तो ऐसे करके आप याद कर लेना, एक क्रम याद करना ना, तो नंदा याद करो, नंगा याद करो, दोनों मिलता जुलता है, और कंचन जंगा याद रखो, तो ये तीनों पर्वत भारत में है, ठीक है, ये आप याद रखना, और नामचा भी है, देखो नामचा नंदा नंगा जंगा, ठीक, तो इसका आप कोई ट्रिक बना लेना, ऐसे मैंने बनाया था इसको ऐसे ही, नामचा नंदा नंगा कंचन जंगा, ठीक है, तो ये मैंने ऐसे बना दिया था, तो आप एक राइमिंग बन जाएगा। राइमिंग मतलब क्या होता है कि ऐसा जो लाइन एक बन जाए जैसे कविता टाइप का लगने लगे, बाद में आप पढ़ोगे उसमें से कोई भी छूटेगा तो आपको थोड़ा अटपटा टाइप का लगेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या अपना है, हिमालय पर्वत पहले आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, मैप से पढ़ना है, ध्यान रखना है, इसमें याद करने वाला चीज़ मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, देखिए ये वाला हिमनद नहीं याद रखना है, ठीक है, दर्रा याद रखना है, कश्मीर में कौन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सब इसका नाम एकदम इम्पोर्टेंट है, और कैसे हूँ मरना पड़े अगर आपको 10 बार भी मरना पड़े तो याद करना है, ठीक है, याद इसको करना ही है, ठीक है, इसको याद कर लेना है, इसको याद करना है, महा मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इसमें कौन कौन सा है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे जैसे बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय है, महान हिमालय है, महान इसी को महान हिमालय भी कहा जाता है, और जैसे मध्य हिमालय जो है इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है, तो इसमें कौन कौन सा स्थान आता है, ठीक है, वो याद रखना है, मतलब ये जो बृहद हिमालय इसमें हिल स्टेशन है तो इसको याद रखेंगे, तो हिल स्टेशन उसमें नहीं है, जो भी है वो लघु हिमालय में ही है, ठीक है, तो इसका नाम याद रखेंगे, कोई अगर शहर है ना इसमें या कोई स्थान है, कोई घाटी है तो उसका नाम याद रखेंगे, कोई अगर इस पे हिल स्टेशन है मतलब लघु हिमालय पे तो उसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक चीज़ और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये शायद फोटो ख़राब हो गया था, तो दोबारा देखिए मैंने ऐसे ही लिखा जाना, नामचा नंदा नंगा कंचनजंगा भारत में है, ठीक है, बाकी सब नेपाल और या तो नेपाल में है नहीं तो चीन में है, ठीक, ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक, दर्रा याद कर लेना है, ये भी याद करना है, ये भी हिल स्टेशन याद करना है, ठीक है, ये सब मैंने पॉइंट टिक लगाया है उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय पढ़ना है, ठीक है, उप हिमालय, ये सबसे बाहरी हिमालय, देखिए हिमालय जो है ना उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, देखो आपको इधर एक एक टिक लगाया हुआ मिल जाएगा, देखो शायद इधर नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है, देखो सबसे जैसे बृहद हिमालय है ना, तो सबसे जैसे हिमालय है ये, जैसे मान लो ये हिमालय है, ठीक है, तो सबसे इधर में है बृहद हिमालय, इसको ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस मतलब किनारा होता है, किनारा मतलब जो सबसे किनारे में स्थित है, तो ट्रांस हिमालय, उसके बाद है मध्य हिमालय, उसके बाद फिर है कौन सा, शिवालिक हिमालय, ठीक है, तो ये ऐसे तीन परत है, मतलब एक ही जैसे फोल्ड बना है ना, तो तीन ऐसे परत हुआ है, तो सबसे किनारे वाले उस तरफ वाले को जो चाइना के साइड में है तो उस ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद जो है उसको मध्य हिमालय या लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय कहते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से है, ठीक है, इसको उप हिमालय कहते हैं, शिवालिक इसी में देहरादून वगैरह साइड का सब है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये
हाँ ये वाला थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसको आप मैप में देखिएगा ना तो आपको एकदम 100% याद हो जाएगा, ठीक। मैंने भी मैप से याद, देखिए ऐसे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ तक के हिमालय को बांटा गया है। फिर इस नदी जो दो 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 नदी करके बीच बीच में जो है ना, तो उसको बांट दिया गया है कि ये दो नदी के बीच के हिमालय को क्या कहेंगे, पंजाब हिमालय, इस दोनों के बीच कुमाऊँ हिमालय, इसके बीच नेपाल हिमालय, ऐसे ही करके, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय, सतलज से काली तक कुमाऊँ हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता से असम दिहांग हिमालय, असम हिमालय, तीस्ता से दिहांग तक असम हिमालय, ठीक है। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भारत का रूट प्रदेश भी कहा जाता है, खनिज से भर परिपूर्ण है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार भी इसी का भाग है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें कौन कौन पठार है और उसका श्रेणी वगैरह जो दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सा पठार आता है, कौन कौन सा भूमि है, ये सब दिया हुआ है। अरावली श्रेणी रे जो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का सब ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब प्रायद्वीपीय पठार में। अब देखिए अरावली पर्वत, इसको मैप से देखना है कहाँ से कहाँ तक है। मालवा का पठार, इसको भी मैप से देखना है, ठीक। बुंदेलखंड, इसको भी मैप से देखना है, ठीक है। देखिए ये हो गया, देखिए दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर अन्ना मुंडी, ठीक है। तो मुंडी दक्षिण भारत में सबसे बड़ा किसका मुंडी है, अन्ना मुंडी का। अन्ना मतलब होता है वहाँ लोग, अन्ना मतलब थोड़ा जैसे जैसे अन्ना हजारे नहीं थे तो सम्मान वाला नाम, जैसे अब मतलब दादा टाइप का जो आदमी होता है, जो बड़ा आदमी होता है सम्मानित, उसको अन्ना बोला, तो यही अन्ना का मुंडी सबसे बड़ा है दक्षिण भारत में, ठीक। अगर कोई बोले नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी है नीलगिरी के। दूगो बेटा था, ठीक। दूगो बेटा था मतलब क्या, दोदा बेटा, ठीक है। तो नीलगिरी का दूगो बेटा, दोदा बेटा, अन्ना दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर, तो अन्ना का मुंडी था, तो ठीक, तो अन्ना का मुंडी सबसे ऊंचा है, ठीक है। ये थोड़ा याद कर लीजिए, दक्कन भारत का थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितना पठार है इसको सबको मैप से थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। और एक मैं प्लेलिस्ट शेयर करूँगा, उसको तो एकदम देखना ही है, उसमें सारा ही आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसका लिंक मैं दे दूँगा, अभी आप लोग इसको पहले पढ़ो, ठीक है, बाद में मैं लिंक दूँगा, एक ही साथ आप सारा वीडियो इसको देख लेना, ठीक है। अब देखिए दर्रा, ये सारा दर्रा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे, देखिए SMT श्रीमती को लिखते हैं ना, SMT PCC मतलब वो जो ढाल के सड़क जो बनता है कंक्रीट से, उसको PCC सड़क बोलते हैं। BMP बिहार मिलिट्री पुलिस, ठीक। और TNM एक कंपनी है जो सरिया बनाती है, मतलब छड़ बनाती है जो घर वगैरह ढाला जाता है, ठीक। तो अब देखिए देखिए यहाँ पे अब इसका ट्रिक क्या था, देखिए PCC सड़क बनाया BMP ने, बिहार मिलिट्री ने, TNM सीमेंट से श्रीमती के लिए, या TNM सरिया से श्रीमती के लिए, ठीक है। इसका ट्रिक है, अब ये ट्रिक काहे के लिए है भाई, देखिए TNM, टी से होता है थाल घाट और एम से होता है मुंबई, एन से होता है नागपुर, ठीक है। बी मतलब होता है भोर घाट और ये है मुंबई और पुणे, ठीक। PCC मतलब है कालीकट और सी से है कोयम्बटूर, ठीक। एस मतलब सेनकोटा दर्रा, एम से है मदुरई और टी से है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इसको नॉर्मली आप याद कर लो, भुलाएगा नहीं, ठीक है। इसमें तीन ही याद करना है, ये तीनों, ये छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी ये सब आप पढ़ लेना, खादर बांगर क्या होता है, ये सब बहुत सिंपल चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगा। उत्तर का मैदान, ठीक है। आप देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बता दें, ये द्वीप समूह के बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। भारत में ये द्वीप समूह है, इसमें कौन सा प्रवाल द्वीप है, कितना द्वीप है, कितना कहाँ सबसे बड़ा द्वीप कौन है, छोटा द्वीप कौन है, ठीक है। अरब सागर में कौन सा द्वीप है, बंगाली खाड़ी में कौन सा द्वीप है, ये थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। अपतटीय द्वीप, अपतटीय द्वीप ऐसे द्वीप होते हैं जो मतलब तट के किनारे हैं, ठीक है। तो ये है सारा, तो ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए भारत की नदियाँ हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।